भी उनको मौका मिलता है हमारे खिलाफ सबसे ज़्यादा नारे लग रहे हैं, वहाँ पे अफगानिस्तान में लग रहे हैं, और हमारी फॉरेन पॉलिसी का हाल हम देख रहे हैं कि कोई दुनिया का मुल्क जो है इस वक्त हमारे साथ खड़े होने को तैयार है, माँ से हमारे अपने इस वक्त मेरा नहीं ख्याल का कोई पाकिस्तान के साथ कोई मिडल ईस्ट में से खड़ा हुआ, कोई सऊदी से नज़र आए, कतरी नज़र आए, यूई नज़र पहले नज़र आते थे, मिस्र है या आपका उसका तुर्की है, या तुर्की के साथ है थोड़ा सा खैर हमारा, या उसका मलेशिया जो हमारा एक हमने ब्लॉक बनाया हुआ था, इस वक्त कोई मुसलमान मुल्क जो है ना वो पाकिस्तान के स्टैंड के साथ नहीं खड़ा। अभी क्यों इनको आप बुरा भला कह रहे हैं, पाकिस्तान ने ये जो कुर्बानियाँ दी हैं, ऐसे आप देख लें अमेरिका के साथ सबसे ज़्यादा हमारी एक 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 उसके 20 साल तक हमने उनको या नेटो सप्लाई हमने दिया और एक डॉलर नहीं लिया हमने, उन्होंने ताजिकिस्तान या उज़्बेकिस्तान से जब यहाँ आपको याद होगा सलाला की वजह से यहाँ पे सप्लाई बंद हुई थी, उन्होंने $1700 पर कंटेनर लिया था, हमने एक टक्का नहीं लिया था 20 साल तक यहाँ से, हमने मुफ्त सप्लाई दी है, रूट्स दिए, आना जाना, मुलाकातें, एक हैप्पी हैप्पी मूड रहे। अब अमेरिकन भी हमसे वो छोड़ कर, जैसे अभी आपने कहा कि उन्होंने आगे इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना रहे, सो वेयर इज़ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम दो चार है। अब जब यहाँ पे हमारा इंटीरियर मिनिस्टर जो है, ये हमारे खिलाफ क्यों नारे लग रहे हैं वहाँ पे, उसमें अफगानिस्तान में लग रहे हैं या बाकी उसके उसके कैपिटल है, कुछ हमारा अपना भी तो है इसमें याद, ये इंटीरियर मिनिस्टर मुझे याद नहीं रहा, मैं अपने उनको प्रोड्यूसर साहब को कहता, हमारे हमारे ये जो हैं राना अशरफ साहब हैं, कि वजीर दाखिला का ये है इंटरव्यू है मेरा सलीम साफी साहब के साथ है शायद, जिसमें वो ये फरमा रहे हैं कि तालिबान की जो फैमिलीज हैं या तालिबान है बाराखाओं में रहते हैं जो अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं या अफगानिस्तान में जो सारे वहाँ पे उसमें कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में उनकी फैमिली पिशावर में रह रही हैं, क्वेटा में रह रही हैं, बाराखो इस्लामाबाद भरा हुआ है आपका इस वक्त सारे का सारे, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका आपका इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं हजूर, और पूरी दुनिया के सामने कैमरे पर कह रहे हैं, और वही तालिबान जब मार्च करेंगे, जाएंगे कैप्चर करेंगे उसमें वहाँ पर उन पर या लोगों को मारेंगे, लड़ाइयाँ होंगी, फौज जो भी हो अफगानिस्तान में, तो अल्टीमेटली हर विक्टम को कोई ना कोई एक उसको एक वो कहते हैं स्केप गोट चाहिए, एक पंचिंग बैग चाहिए, वो तो समझेंगे कि भाई साहब ये जो तालिबान है ये सारे जो यहाँ पे आके उस पर कब्जा कर रहे हैं, इस पे कर रहे हैं, इस पे अफगानिस्तान पे, इनकी फैमिलीज और खुद जो हैं ये पाकिस्तान में रहते हैं, और ये बात कंफर्म कौन कर रहा है, मुल्क का वजीर दाखला कर रहा है, तो मुझे ये बताएं फिर अगर वहां के लोग क्या सोचेंगे कि इनको कौन सपोर्ट कर रहा है। हम लाख कहते रहे जी हमने यहाँ पे बैठ के उसके ये मेरे ख्याल 2014 की बात है, इन्होंने मरी में डलाक करवाया था पाकिस्तान ने जब वहाँ पे तालिबान और इनके दरमियान अशरफ गनी वगैरह के दरमियान, इसके बाद हमने कतर में इन्होंने करवाने की कोशिश की, हमने डिलीवर करके दिया, इसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं। मेरा ख्याल है हम बड़ी बुरी और इनके मुश्किल सिचुएशन में फंस गए हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन करने को तैयार नहीं है जो बाइडन, 7वां 8वां महीना है, हमारे सिक्योरिटी एडवाइज़र साहब जो हैं जो ले के आए थे एक नौजवान ले के आए थे कि वो आएगा रोज़ वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज कर रहा होता बैठा हुआ मुईजूस, और किसी दुनिया के मुल्क में आपने उनके NSO को देखा होगा रोजाना मीडिया पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेज करे, उनका काम ही नहीं था, उन्होंने एडवाइस करना होते आगे सिविल जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो उनको एडवाइस करें, वो रोजाना उस पर बैठे हुए हैं, आपने कभी उनका जीत दोवल को देखा है कि वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेज कर रहे हो, ट्वीट कर रहे हो या इस तरह की वजाहतें दे रहे हो, नजर नहीं आते। आप एक उसको बच्चे को लाए हैं कि वो शायद अमेरिकन में हमारे साथ कोई करवा देगा, किसी की सिफारिश थी वट एवर था, अब उनको पता ये चला वो रोज़ कोई ना कोई नया एक बयान दे के नया मैच क्रिएट कर रहा है, और पाकिस्तान के लिए भी एम्बेरसमेंट हो रही है, इमरान खान साहब के लिए भी एम्बेरसमेंट हो रही है, मतलब उनका ये बयान देना कि आप अगर हमें टेलीफोन निकाल रहे तो हमारे पास और भी ऑप्शन हैं, या अगेन जो आके उन्होंने टेलीफोन कॉल पर इशू किए, पाकिस्तान का NSA जो अमेरिका से आप लाए थे और इस बुनियाद पर लाए थे कि अमेरिका में बड़ी लाबी है उसकी जी, बड़े तलुकात हैं जी, एक टेलीफोन कॉल अगर वो नहीं करवा सका, एक कटसी कॉल है, तो उसके बाद उस NSA को आपने क्या करना है, इसका मतलब अमेरिका की आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसमें उसकी कोई लॉबी नहीं है, उसकी कोई डेप्थ नहीं है, कोई उसका वहाँ पर रोल नहीं है। सो हमने अपने आप को बड़े बुरे तरीके से मेरा खाले फंसा लिया है, इंडिया जो 20 साल दूर बैठा रहा है इन चीज़ों से नहीं पड़ा, उसने कोई आके अमेरिकन के साथ तामुन नहीं किए, उन्होंने नेटो सप्लाईज के लिए कोई रूट नहीं दिए, उन्होंने कोई उनको ऑफर्स नहीं की, आज पता ये चलता है अमेरिका और वो जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गए, हम उसमें एक उसमें बड़े जो है मुल्ज़िम बन गए, हमने 30 लाख अफगान अपने घर पे बिठे हैं, हमने वहां पे तालिबान जो लड़ रहे थे उनकी फैमिलीज को भी यहाँ पाला पोसा हुआ है, हमने अमेरिका को पूरी आके सप्लाई लाइन देती है दी है, इंटरनेशनल फोर्सेज को भी अकोमोडेट किया है, हमने नेटो को भी यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से रखा है, हमने उनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग या स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो भी थी सब कुछ किया, एट द एंड ऑफ द डे पता ही है चला। आखिर में मैं एक छोटा सा लतीफा सुना के इसको मैं बंद करता हूँ, फिर आमिर साहब से पूछे उनके इंटरनेशनल अफेयर्स पे मुझसे ज्यादा डेप्थ है, कि एक वो कहते हैं किसी घर में घोड़ा और बंदर थे किसी घर में, तो वो क्या कर बंदर ने क्या करना, रात को जाना किचन में जाकर उसने आटा खा जाना, और वापसी पे आके बहर जो खड़ा होता ना ये घोड़ा उसके मुंह पे वो आके मल देता था थोड़ा सा, सुबह मालिक जो उठता था वो देखता था कि
आपके किचन में से कोई आके वो खा गया है आटा, आटा खा गया, तो वो जाके सीधा बहर देखता, तो घोड़े के मुंह पे उसको नजर आता आटा मला हो, वो जाके उसकी ठुकाई शुरू कर देता और वही बंदर दूर बैठ के अपने अपने दांतों में खलाल कर रहा होता। हमारे साथ वही कुछ हुआ है, खा पी कुछ और गए हैं, हालात किसी और ने खराब किए, जैसे वो कह रहे हैं आखिर पे जाते हुए आटा हमारे मुँह पे मल गया और सारी दुनिया जो ना वो आके हमें फेंटी लगा रही है। जी आमिर साहब, ये जो आटे वाला घोड़ा है और ये जो हाल हो रहा है हमारे साथ, बस मैंने घोड़ा जानबूझ के इस्तेमाल किया, कुछ जानवर कोई और